गाइस कैसे हैं सब। तो दोस्तों जिस मूवी की आज बात होने वाली है इसका ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं लव आजकल की, जिसका पहले भी आप ऑलरेडी एक पार्ट देख चुके हैं, तो उसका सेकंड पार्ट अब आ रहा है और स्टारिंग कार्तिक आर्यन, सारा अली खान एंड आरुषि शर्मा। इट्स अ न्यू कास्ट एंड इट्स अ न्यू डे। लेट्स सी कि कैसी मूवी होती है और आज का रिव्यू हमारा इसी बारे में है। तो दोस्तों जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। So, बात अगर की जाए ऑडियंस को टारगेट करने की, तो बिल्कुल टारगेट करके इस मूवी को बनाया गया है। 14 फरवरी को ही रिलीज की जा रही है इन द सीजन ऑफ वैलेंटाइन, और वैलेंटाइन डे को ही इसको रिलीज किया जा रहा है इस मूवी को। और जैसे कि आपने इसका पहला पार्ट देखा था, सेकेंड पार्ट इसका रिलीज हो रहा है 14 फरवरी 2020 को। सो इट्स अ स्टोरी फ्रॉम 1990 to 2020। दो पार्ट्स में इस मूवी को फीचर किया जा रहा है। पहले पार्ट में 1990 में फीचर कर रही हैं इसमें आरुषि शर्मा, और दूसरे पार्ट में 2020 में फीचर कर रही हैं द वन एंड ओनली सारा अली खान। लेकिन इन दोनों चीज़ों में 1990 और 2020 में एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही है, और वो कॉमन चीज़ है कार्तिक आर्यन, जो कि दोनों स्टोरीज में फीचर कर रहे हैं। एंड इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, मुझे 2020 वाली स्टोरी ज़्यादा मज़े की लग रही है। डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली खान, जिनकी बहुत सी सुपरहिट मूवीज हम पहले ही देख चुके हैं, जिसमें अगर तमाशा ले लो, जब वी मेट, और उसके अलावा हाईवे, इसके अलावा बहुत ही अच्छी मूवीज हमें उनकी देखने को मिली हैं। और इसके अलावा मुझे जो लग रहा है, इट्स गोइंग टू बी अ फाइन पैकेज, इज अ नाइस फाइन पर्सन, और ये बहुत ही जबरदस्त पैकेज होने वाला है लव आजकल पार्ट टू। आर्यन की जो बॉन्डिंग नज़र आ रही है, इट्स 100% परफेक्ट। और जिस तरह से उसमें दिखाया जा रहा है कि सारा अली खान जो है वो फेम और करियर के पीछे हैं और उन्हें बस इन्हीं चीज़ों मस्त मगन है उसमें, लेकिन कार्तिक आर्यन जो है कि वो इस तरह का बंदा दिखाया जा रहा है जिसे जो है एक परफेक्ट बंदी चाहिए। यस, कार्तिक आर्यन जो है वो ऐसी बंदी चाहता है जो उसकी 100% अपनी लाइफ पर ज़्यादा तवज्जो हो, उसके बाद करियर, फेम और एक्सेट्रा। तो टॉकिंग अबाउट कार्तिक आर्यन, जी हाँ, इस मूवी में जैसे कि हम लोग उन्हें देखते हुए आए हैं, और इस मूवी में उनका कैरेक्टर बहुत ही अजीब किस्म का है, और बहुत ही अजीब अजीब सी मस्तियाँ, अजीब सी हरकतें, क्रेजी हरकतें उनकी उसमें नज़र आ रही हैं। और आई थिंक इट विल बी परफेक्टली जस्टिफाइड, और उस टाइम बात करना ज़्यादा बेहतर होगा जब ये मूवी रिलीज़ हो जाती है। क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवी का पहला पार्ट किया था सैफ अली खान ने, जिनकी बेटी अब कर रही हैं दूसरा कैरेक्टर लव आजकल पार्ट टू में। उनकी बेटी जो है वो स्टारिंग कर रही हैं, और लेट सी के कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि लव आजकल के पार्ट वन को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, बहुत ही प्रेज मिला था। सो नाउ वी हैव टू सी के लव आजकल टू के पार्ट को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। तो स्टोरी दोस्तों सिमिलरली नज़र आ रही है, कुछ खास हमें चेंजिंग नहीं नज़र आई। जैसे कि अगर आप लोगों ने पहला पार्ट देखा हुआ है तो आपको ज़रूर अंदाज़ा होगा, लेकिन स्टोरी वन और टू की जो है ऑलमोस्ट एक ही जैसी है। एक कल का सीन है और एक आज का सीन है, बट दिखाया जा रहा है कि कल के सीन में किस तरह से मुश्किलात और किस तरह से सब चीज़ें बहुत मुश्किल थी और किस तरह से पाया जाता है उस चीज़ को, और आजकल के ज़माने का दिखाया जा रहा है, इट्स नॉट ईजी टू कन्फेस योर लव फॉर एनी वन। तो दोस्तों नाउ आई हैव टू से दैट कि यार कार्तिक आर्यन पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस वक्त क्रिटिक आ रहा है, वो उसकी वजह यही है कि कैस्ट इन लंडन, प्यार का पंचनामा और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ ऑलरेडी वो इसी कैरेक्टर में ही नज़र आते हैं, इसी कैरेक्टर में नज़र आते हैं। तो काफ़ी लोग जो है वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि यार उनका कैरेक्टर चेंज होना चाहिए, और वाकई मैं भी इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ और एडमिट करता हूँ कि यार वाकई कार्तिक आर्यन को अब जो है कैरेक्टर चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो अब हर दफ़ा एक ही रोल में नज़र आते हैं, और जब एक ही रोल में हर दफ़ा एक बंदा नज़र आए तो लोगों का दिल भर जाता है। अब जैसे कि आपने लास्ट में अभी देखा होगा मलंग का ट्रेलर आया, जिसमें आपने आदित्य रॉय कपूर को बहुत ही चेंज कैरेक्टर में देखा है, और बहुत सारे लोग उन्हें प्रेस कर रहे हैं कि यार वाकई ये रूप तो हमने उनका देखा ही नहीं। तो आई थिंक कार्तिक आर्यन को भी ये चीज़ जो है सोचनी होगी और अपना कैरेक्टर चेंज करने के बारे में, क्योंकि जब भी वो कोई मूवी साइन करें तो इसी टाइप की ज़्यादातर मूवीज़ होती हैं। बट आई थिंक अब उनको कुछ और डायरेक्शन में जाना चाहिए, कुछ और मे बी एक्शन ट्राई करें, हो सकता है एक्शन मूवी उनकी ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा प्रेज मिले। आई डोंट से कि उन्हें प्रेज नहीं मिलता, प्रेज उनको इस मूवी में भी मिल रहा है, वो अपना रोल बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन इस तरह के रोल्स हम पहले भी उनके बहुत सारे देख चुके हैं। सो एवरीवन वांट्स अ चेंज, सब लोग देखना चाहते हैं आपको और चेंज में देखना चाहते हैं, एक ही कैरेक्टर में सब लोग देख देख कर तंग आ जाते हैं। सो आई होप के उन्हें भी अब जो उन तक भी ये बात पहुंची जाएगी कि उन्हें अपना कैरेक्टर 100% चेंज करना चाहिए। दोस्तों ये मूवी आ रही है 14 फरवरी 2020 को, और अब एक महीना है ऑलमोस्ट इस मूवी के आने में, तो हमें भी इजाज़त दें। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, हमारी वीडियोस को शेयर करें, जो भी आपको हमारी वीडियो में कमी बेशी लगे आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, टेक केयर, गुड बाय।